पोको F3 GT, OnePlus Nord 2, iQOO 7। हम करने वाले हैं आज की वीडियो में इन तीनों फोन्स का एक घमासान एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट, और ये देखना है कि क्या MediaTek Dimensity 1200 चिपसेट Qualcomm Snapdragon 870 को गेमिंग परफॉर्मेंस में बीट कर पाता है या नहीं। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं सो मेक श्योर यू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मेरे पास है पोको F3 GT जिसमें आपको डायमेंसिटी 1200 चिपसेट देखने को मिलता है, OnePlus Nord 2 यहां पर भी आपको डायमेंसिटी 1200 चिपसेट देखने को मिलता है, और iQOO 7 जिसमें आपको Snapdragon 870 चिपसेट देखने को मिलता है। तीनों ही फोन्स बहुत ही बढ़िया है, तीनों ही फोन्स अंडर 30,000 के प्राइस टैग पे आते हैं। सो लेट्स सी सबसे बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर कौन सा फोन देता है हमें। बिना किसी देरी के अब यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं हमारा गेम प्ले। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने तीनों फोन्स को फुल ब्राइटनेस पर कर दिया है, और यहाँ पर अभी करंटली तीनों ही फोन्स की जो बैटरी परसेंटेज है वो भी 100% पर है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पर BGMI, देखते हैं 30 मिनट्स के बाद तीनों फोन्स के कैसे रिजल्ट रहते हैं, फोन का टेम्परेचर कितना ज्यादा राइज अप होता है, और ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा रहता है। और हाँ, तीनों ही फोन्स काफी अच्छे फोन्स हैं, तो कुछ गेमिंग फीचर्स भी तीनों फोन्स के डिस्कस करेंगे, गेमिंग असिस्टेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले BGMI ऐप को लोड करके देख लेते हैं कि सबसे पहले किस फोन में लोड होती है। सो गाइस, तीनों फोन्स में BGMI लोड कर दिया। ऐप लोड टाइम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर iQOO 7 में लोड हुई, देन पोको F3 GT और OnePlus Nord 2 में अभी भी लोड हो रही है। सो OnePlus Nord 2 सबसे पीछे रहता है एटलीस्ट गेम लोडिंग के लिए। गेम प्ले स्टार्ट करने से पहले इन एन ईसी रूम iQOO 7 का टेम्परेचर है अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस, Nord 2 का टेम्परेचर है अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस, एंड पोको F3 GT का टेम्परेचर है अराउंड 31 डिग्री सेल्सियस। तो एक बार यहाँ पे तीनों फोन्स में पहले ग्राफिक सेटिंग्स चेक कर लेते हैं क्या रहते हैं। तो यहाँ पे पोको F3 GT में आप देख सकते हैं आपको HDR ग्राफिक्स के साथ अल्ट्रा फ्रेम रेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वहीं अगर मैं स्मूथ ग्राफिक्स कर दूं तो यहाँ पर आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो OnePlus Nord 2 में भी आपको HDR के साथ अल्ट्रा ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, एंड साथ में स्मूथ ग्राफिक्स के साथ एक्सट्रीम फ्रेम रेट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपका अल्ट्रा HD मोड अभी अवेलेबल नहीं है OnePlus Nord 2 में। बात करें अगर iQOO 7 की, तो यहाँ पर आपको HDR ग्राफिक्स के साथ एक्सट्रीम फ्रेम रेट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, और स्मूथ के साथ भी एक्सट्रीम। यहाँ पर 90 FPS का सपोर्ट तीनों ही फोन्स में देखने को नहीं मिलता है। अब देखते हैं गेम प्ले कैसा रहता है। तो गाइज, आप 30 मिनट्स हो चुके हैं OnePlus Nord 2 में गेमिंग के, एंड आप टेम्परेचर नोट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 10 डिग्रीज का राइज देखने को मिला है मुझे यहाँ पे, 33 से ऑलमोस्ट अराउंड 43.5 हो चुका है Nord 2। अगर यहाँ पे बैक साइड पर देखें तो बैक साइड पर भी अराउंड 40-41 डिग्रीज के आसपास ये हीटअप हो चुका है। तो 30 मिनट्स ऑफ गेमिंग आर अप इन iQOO 7 एज वेल। अब यहाँ पे इसका टेम्परेचर एक बार देख लेते हैं। सो इसका टेम्परेचर अराउंड 40.2 डिग्री सेल्सियस है इस वक्त। अगर मैं बैक साइड के आसपास देखूँ तो बैक साइड पर भी टेम्परेचर 36, 37, 38 बढ़ रहा है ये। तो यहाँ पे ये भी हीटअप तो हुआ ही है, बट हाँ, OnePlus Nord 2 जितना हीटअप नहीं हुआ। बट अगर मैं टेम्परेचर राइज की बात करूँ तो अराउंड 10 डिग्रीज ही है, क्योंकि iQOO 7 में स्टार्ट में अराउंड 30 डिग्रीज था, एंड अब यहाँ पे आपको अराउंड 40 डिग्रीज के आसपास हीटअप होता हुआ दिख जाता है। सो आफ्टर 3 rounds ऑफ टीम डेथ मैच यहाँ पर पोको F3 GT का टेम्परेचर एक बार देख लेते हैं। ये भी
बढ़ रहा है अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो चुका है हीटअप। बट लेट मी टेल यू, मैं जब इसको होल्ड कर रहा हूँ तो मुझे ये अच्छा खासा काफ़ी वार्म लग रहा है। एक बार बैक साइड से भी देख लेते हैं तो ये भी अराउंड 40 डिग्रीज के आसपास हो चुका है। तो आई थिंक यहाँ पे जो ओवरऑल डिवाइस टेम्परेचर था वो वन प्लस नॉट टू का सबसे ज़्यादा रहा, वहीं आईकू 7 और पोको F3 GT ने टेम्परेचर को सही से मेनटेन किया। अब क्यों वन प्लस नॉट टू का टेम्परेचर ज़्यादा था और पोको F3 GT और आईकू 7 ने ये मेनटेन किया, इसका रीज़न ये कि यहाँ पर पोको F3 GT में और आईकू 7 में आपको ग्रेफाइट लेयर लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो ये डेडिकेटेडली आपकी हैवी गेमिंग के लिए बनाए गए हैं, इसको ध्यान में रख के। वहीं अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वन प्लस नॉट टू की, तो यहाँ पर आपको कोई डेडिकेटेड लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलता, इसीलिए डिवाइस टेम्परेचर काफ़ी वार्म हो जाता है। तो अभी तो हमने सिर्फ 30 मिनट्स ऑफ गेमिंग करी, यही अगर यहाँ पे हमारा गेमिंग सेशन थोड़ा सा और ज़्यादा होता तो शायद डिवाइस टेम्परेचर और ज़्यादा हो जाता, एंड दैट टू इन एन AC रूम। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोको F3 GT की बैटरी ऑलमोस्ट अराउंड 13% के आसपास ड्रॉप हुई है। वहीं अगर मैं बात करूँ वन प्लस नॉट टू की, तो इसकी बैटरी अब हो चुकी है 78%, मतलब 22% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आईकू 7 की, तो आईकू 7 की बैटरी काफ़ी कमाल की रही, आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ BGMI बैटरी लेवल इज एट 90%। तो यहाँ पर मैं BGMI वाला राउंड आईकू 7 को जिताने वाला हूँ, क्योंकि बैटरी ड्रॉप सबसे कम और टेम्परेचर मेंटेन भी सबसे ज़्यादा अच्छा यहाँ पर आईकू 7 ने ही किया। तो अभी हमने BGMI गेम प्ले तो देख ही लिया कैसा रहा। यहाँ पर मुझे सबसे बढ़िया लगा पोको F3 GT में गेम खेलना, बट अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पर आईकू 7 ने बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस दिखाई। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ डेडिकेटेड गेमिंग फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा मेरे साथ पोको F3 GT, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गेमिंग असिस्टेंट की, तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड MIUI वाला गेमिंग असिस्टेंट ही देखने को मिलता है, बट कुछ फीचर्स एड अप हो गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एयर ट्रिगर्स को ऑन कर सकते हो, LNR अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, राइट ट्रिगर एंड लेफ्ट ट्रिगर। तो यहाँ पर मैंने राइट ट्रिगर को फायरिंग बटन बना दिया था एंड लेफ्ट ट्रिगर को बेंड डाउन बटन बना दिया था। सो यहाँ पर आप एयर ट्रिगर सेट कर सकते हो गेमिंग असिस्टेंट से डायरेक्ट। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ एक और बढ़िया फीचर की, तो यहाँ पर आप विजुअल एनहांसमेंट मोड ऑन कर सकते हो, जिससे कि डिस्प्ले की जो कलर्स हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते हैं, और यहाँ पर आपको सैचुरेटेड, ब्राइट या फिर ब्राइट एंड सैचुरेटेड डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये स्टैंडर्ड MIUI वाला ही गेमिंग असिस्टेंट आपको देखने को मिलता है विद अ लिटिल add-ons। यहाँ पे बेस्ट बात यही है कि जो यहाँ पर डेडिकेटेड एयर ट्रिगर्स देखने को मिलते हैं वो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही कमाल का बना देते हैं पोको F3 GT में। सो गाइस, अभी तक आपको वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आ रही है तो यार एक लाइक छोड़ दो और नीचे कमेंट भी कर दो, तीनों में से अभी तक आपको कौन सा फ़ोन सबसे बढ़िया लगा। मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। अब अगर वन प्लस नॉट टू के गेमिंग असिस्टेंट की बात करें, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओप्पो के गेमिंग असिस्टेंट से इंस्पायर्ड है। यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड प्रो गेमिंग मोड देखने को मिल जाता है, जिसको स्टार्ट करते ही यहाँ पर आपकी कोई भी गेम से रिलेटेड डिस्टर्बेंस जो है वो ब्लॉक हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ कुछ और एडिशनल फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको डेटा मॉनिटर करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, दैट्स अबाउट इट। नो लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी, नो एयर ट्रिगर्स, नथिंग फैंसी, क्योंकि ये फ़ोन एक डेडिकेटेड गेमिंग फ़ोन मैं नहीं बोलूँगा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं और आईकू 7 की तरफ देखते हैं। आईकू 7 आप लोगों को पता ही है कि कितना बढ़िया गेमिंग फ़ोन था। लास्ट 3 महीने से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, हमने इसके लिए एक डेडिकेटेड गेमिंग वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने सारे आईकू 7 के गेमिंग फीचर्स को डिस्कस किया। मैं एक बार वापस क्विकली रीकैप कर देता हूँ। यहाँ पर आपको गेम डिस्प्ले एनहांसमेंट देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल डिस्प्ले के कलर्स हैं वो और ज़्यादा बढ़िया हो जाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे आईकू का गेमिंग असिस्टेंट है वो भी मुझे सबसे ज़्यादा फैंसी लगता है बाकी फोन्स में से। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक अल्ट्रा गेम मोड देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको गेम फ्रेम इंटरपोलेशन का फीचर देखने को मिलता है, जिससे कि आप FPS काउंट इंक्रीज कर सकते हो, बट ये सिर्फ कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए ही एप्लीकेबल है। साथ ही में यहाँ पे मेरा फेवरेट गेमिंग फीचर 4D गेम वाइब्रेशन का, वो भी यहाँ पर आईकू 7 में ही मिलता है, ये आप COD के टाइम पर देख पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ई स्पोर्ट्स मोड की, तो यहाँ पर ये वही जो आपको मैं अभी गेमिंग असिस्टेंट दिखा रहा था ये वही होता है। तो अगर इसके गेमिंग फीचर्स के बारे में आपको पूरा जानना है, आपको ऊपर कार्ड्स में हमारी आईकू 7 एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट की वीडियो देखने को मिलेगी,
आप वो जाकर देख सकते हैं। अब बिना किसी देरी के COD कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम प्ले स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं तीनों फोन्स में से सबसे बढ़िया गेम प्ले किस फोन में निकल के आता है। एंड 30 मिनट्स के लिए टेस्ट करने वाले हैं यहाँ पर हम COD मोबाइल। So guys, this is OnePlus Nord 2 और आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 मिनट COD गेमिंग के बाद ये अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस तक हीटअप हो चुका है इन एन AC रूम। वहीं अगर मैं बात करूँ बाकी ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर की, तो बॉडी टेम्परेचर भी कुछ अराउंड 36, 38, 39 ऐसा ही है। बाकी डिस्प्ले का तो 40 डिग्रीज तक चला ही गया था। ओवरऑल अगर मैं गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो फ़ोन जैसे जैसे स्लाइटली हीटअप होता रहता है वैसे वैसे गेमिंग एक्सपीरियंस में थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलता है मुझे। कहीं बीच बीच में लैग्स देखने को मिलते हैं, शॉट्स मिस होने लग जाते हैं, तो ये थोड़ा सा अनोइंग था। बाकी अब पोको F3 GT में एक बार टेस्ट आउट कर लेते हैं। वही अब 30 मिनट्स बाद यहाँ पर पोको F3 GT का टेम्परेचर देखें तो ये अराउंड 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। बट हाँ, ये बढ़ता बढ़ता अराउंड 39.3 तक जा ही चुका है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर COD मोबाइल गेम प्ले की बात करूँ तो पोको F3 GT में काफ़ी मज़ा आया। रीज़न बीइंग, एक तो यहाँ पर जो ये फायर ट्रिगर है ये तो बहुत ही कमाल का है। इसके अलावा मुझे गेम प्ले काफ़ी स्मूथ लगा। आप अगर ग्राफिक्स देखें तो ग्राफिक्स के मामले में भी बहुत अच्छा है पोको F3 GT। यहाँ पे कोई भी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर इवन हाई डिमांडिंग शॉट्स में भी मुझे कोई लैग्स या फिर फ्रेम ड्रॉप्स देखने को नहीं मिले। बहुत ही कम बार ऐसा हुआ जब शॉट्स मिस हुए। तो ओवरऑल पोको F3 GT में COD गेम प्ले में काफ़ी मज़ा आया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक बार IQ7 पर ट्राई करके देख लेते हैं। सो आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ COD गेम प्ले, लेट्स सी IQ7 का क्या टेम्परेचर है। तो यहाँ पर IQ7 ने काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर दिया, ऑलमोस्ट 42 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे काफ़ी हैवी गेमिंग करी हमने, बहुत मज़ा आया क्योंकि बहुत ही सही गेम प्ले था एंड ज़बरदस्त स्किल्स किए। एक बार बैटरी लेवल ड्रॉप भी देख लेते हैं कि COD के बाद कितना कितना बैटरी ड्रॉप हुआ है। यहाँ पे 30 मिनट COD मोबाइल के बाद नोटिस करें तो IQ7 में 75% हो चुकी है बैटरी। वहीं अगर मैं बात करूँ OnePlus Nord 2 की तो OnePlus Nord 2 इज़ एट 55%। वहीं अगर बात करें पोको F3 GT की तो यहाँ पर बैटरी लेवल हो चुका है 64%। अगर मैं ओवरऑल आफ्टर 1 आवर ऑफ गेमिंग की बात करूँ, जिसमें 30 मिनट्स VGMI, 30 मिनट्स COD मोबाइल, तो यहाँ पर 45% बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है OnePlus Nord 2 में। वहीं यहाँ पर आपका IQ7 26% के आसपास बैटरी ड्रॉप एंड पोको F3 GT में ऑलमोस्ट अराउंड 36% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है। सो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ बैटरी के रिजल्ट्स की तरफ जाऊँ कि कौन सा प्रोसेसर ज़्यादा एफिशिएंट था, तो स्नैपड्रैगन 870 IQ7 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पर बैटरी लेवल ड्रॉप्स भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर मैं ओवरऑल गेमिंग फीचर्स के बारे में डिस्कस करूँ, अगर मैं एयर ट्रिगर्स को एक इम्पॉर्टेंस दूं, तो मेरे हिसाब से पोको F3 GT ने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहता है यहाँ पर, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती है एंड जो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर कमाल का रहता है। एयर ट्रिगर्स ने तो काफ़ी बढ़िया कमाल कर ही दिया। यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं पोको F3 GT की स्पेशली मैंशन करना चाहता हूँ वो है इसकी इतनी आर्टिस्टिक LED लाइट, डायमेंसिटी 1200 चिपसेट और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट।
ये रिजल्ट निकल के आया कि ये दोनों ही मिड रेंज प्राइस में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं। अगर इन शॉर्ट भाई मैं बात करूं एक गेमिंग फोन लेने की अंडर द प्राइस टैग ऑफ 30,000, यार नॉट टू तो बिल्कुल नहीं, बट आई एम डेफिनेटली पिकिंग द पोको F3 GT। रीजन बीइंग कि यहाँ पर आईक्यू 7 और पोको F3 की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर थी, ऑलमोस्ट सिमिलर गेम प्ले देखने को मिला मुझे, गेमिंग असिस्टेंट भी दोनों का काफ़ी अच्छा है। बट पोको F3 GT इसीलिए पिक कर रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर मुझे इन एडिशन गेमिंग ट्रिगर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सपीरियंस है ना ओवरऑल गेमिंग का वो एक स्टेप ऊपर चला जाता है। सो अगर आप इनमें से कोई भी फ़ोन खरीदने की सोच रहे हैं फॉर गेमिंग पर्पस, तो आप खरीद सकते हैं अंडर द प्राइस टैग ऑफ 30,000। ये तीनों फोन्स करंटली इस वक्त मार्केट में एकदम बेस्ट हैं। बट मेक श्योर अगर आप पुराना फ़ोन बेच रहे हैं तो वो बेचें कैशिफाई पर, क्योंकि कैशिफाई आपको देगा घर बैठे आपके पुराने फ़ोन की एकदम बेस्ट वैल्यू। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आई हो तो लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और आपको इन तीनों में से सबसे बढ़िया फ़ोन कौन सा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।